Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 16th June. So without further delay, let's start this important video. So आज का जो हमारा first question है, Global Wind Day 2022. इसे कौन सी डेट को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 15th जून, यानी कि कल के दिन हमने ऑब्जर्व किया है ग्लोबल विंड डे. क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, इसके रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड चलाए जाते हैं, बिकॉज यू नो विंड एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इन फ्यूचर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है. एंड इसी के रिलेटेड ये इसे एनुअली हर साल एक प्रोग्राम कैंपेन वगैरह चलाया जाता है, तो ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है. इसका थीम बेसिकली, ये इतना सारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैव टू रीड इट आउट. इसका जो बेसिकली ये ग्लोबल विंड डे 2022 इज़ बेस्ड ऑन द थीम to celebrate to enjoy the benefits of wind energy and providing education to the individuals about the power and potential of wind energy to change the world. तो ये आप याद रखें, 15 जून को हम ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व करते हैं. आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट हैज़ वॉन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 टाइटल. तो किस स्टेट ने ये जीत लिया, ये आपने बताना है. होस्ट स्टेट द्वारा सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते गए. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा. हरियाणा इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हरियाणा की अगर हम बात करें तो टोटल 137 मेडल्स जीते, जिसमें 52 गोल्ड मेडल जीते हरियाणा ने, इसमें 39 सिल्वर हैं इसमें एंड 46 ब्रॉन्ज हैं. ये आपको इतना नहीं याद रखना कि कितने सिल्वर हैं कितने ब्रॉन्ज हैं, बट एटलीस्ट आपको गोल्ड मेडल आपने ध्यान रखना है, टोटल मेडल्स कितने हैं ये आपको ध्यान रखना है. सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र रहा, थर्ड नंबर पर रहा कर्नाटका. ओके आगे बढ़ते हैं. एंजेलियो मैथ्यूज एंड ट्यूबा हसन, इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई मंथ के लिए चुना गया. एंजेलियो मैथ्यूज, ये आप लोग जानते हो, ये बैट्समैन है श्रीलंका के, एंड ट्यूबा हसन ये वुमेन्स क्रिकेट, पाकिस्तान टीम की वुमेन्स क्रिकेट के ये स्पिन बॉलर है. तो इन दोनों को मई मंथ के लिए चुना गया. तो आईसीसी द्वारा आप लोग जानते हो जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी, एंड इस मंथ में जो चुने गए एंजेलियो मैथ्यूज एंड ट्यूबा हसन. आईसीसी के बारे में आपको सीईओ का नाम आपने याद रखना है, एंड इसके आपको ग्रेग बार्कले भी याद रखें चेयरमैन का नाम, इसके एस्टैब्लिशमेंट हेडक्वार्टर इसके आपको दुबई में मिलेंगे. आगे बढ़ते हैं. नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR सेलिब्रेट कर रहा है एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक. आप लोग जानते हो 12 जून यानी कि 12th जून को हमने इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व किया, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया का 12 से लेकर 20 जून तक एक वीक ऑब्जर्व कर रहा है, जिसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव किया कि हमने इरेडिकेट करना है, एलिमिनेट करना है चाइल्ड लेबर को हमारे अपने देश से. ओके तो ये कैंपेन कब से कब चलाया जा रहा है ये आपको याद रखना है, 12 से लेकर 20 जून तक. नेक्स्ट करते हैं. हु हैज़ वॉन अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022, ये किसने जीत लिया है, नाम आपको याद रखना है. करेक्ट आंसर इज मैक्स वर्स्टैपन. दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 दे दिए गए. देखो वेल देखा जाए तो अराउंड 20 से 25 नाम है, इससे भी ज़्यादा है, बट आपको एग्ज़ाम रेलिवेंट करने हैं, सारे चीज़ें आप याद रख पाएँ वो पॉसिबल नहीं है. जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, स्पेसिफिक डेटा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है उसी पे फोकस करेंगे. इसमें आपको फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया पुष्पा द राइज, बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है शेरशाह का, शेरशाह मूवी को, बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया रणवीर सिंह को फॉर द फिल्म 83, एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया कीर्ति सनून को फॉर फिल्म मीमी. ओके तो ये एटलीस्ट आपको चार तो याद रखने एट एनी कॉस्ट. ओके आगे बढ़ते. इंडिया फाइनलाइज्ड डील फॉर चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया. इंडिया ये लेने वाला है बेसिकली, लगभग हमारे पास 20 चीता साउथ अफ्रीका, लगभग 12 साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से 8 लगभग, ये इतना एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आपको याद रखने, बट एटलीस्ट ये जो फाइनलाइज्ड हमने डील की है वो किस स्टेट के साथ, किस कंट्री के साथ की है वो आपको याद रखनी है. ओके बेसिकली हुआ क्या है कि हमारे इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एंड अब ये कौन सी, अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें कौन से नेशनल पार्क में ये आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको ये रिलीज़ किए जाएंगे कूनो पालपुर मध्य प्रदेश बाय द एंड ऑफ द ईयर 2022. इस साल के एंड तक आपको इन नेशनल पार्क में कूनो पालपुर मध्य प्रदेश में जो ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व है यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे.
हरिचंद पास्ड अवे, इनका निधन हो गया जी। आपको ये बताना है कि ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो पिक्चर भी आपके सामने है, इन सबने आइडिया लगा ही लिया होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रनर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी लेजेंडरी प्लेयर थे हमारे, 2 टाइम ओलंपिक एंड डबल एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हरी चंद। अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ, 69 ईयर्स की एज में अभी इनका इनकी डेथ हुई है। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च फ्रूट सॉफ्टवेयर फॉर द फार्मर स्कीम। तो हमारे जितने भी किसान हैं, जितने भी योजनाएं हमारे किसानों के लिए चलाई जाती हैं, तो उनके लिए एक स्कीम, एक कैंपेन है, सॉफ्टवेयर का नाम है फ्रूट्स। तो जितनी भी स्कीम है उसका लाभ एक वन लाइक स्टॉप सॉल्यूशन, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये स्टार्ट किया कर्नाटका द्वारा। अब इसके फुल फॉर्म आप ध्यान रख लीजिएगा, इसकी जो फुल फॉर्म है यह जी द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसकी एब्रीवेशन है फ्रूट्स। ओके, तो इसे आधार बेस सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन रहेगा, विंडो रजिस्ट्रेशन रहेगा। जितनी भी योजना है जो हमारे किसान भाइयों के लिए, तो वो सारी इनको एक ही प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेंगी। कर्नाटका सरकार द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है जी बोगेश्वरा, ये इंपॉर्टेंट है। ये एलिफेंट है विद द लॉन्गेस्ट टस्क इन एशिया। अभी इसकी निधन हो गया, इसकी डेथ होगी एंड नेचुरल कॉजेज की वजह से। 60 ईयर्स का ये एलिफेंट। सबसे पहले आप इसकी पिक्चर देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ दिस बोगेश्वरा। 60 ईयर्स की लाइक 60 ईयर की एज थी एंड इसकी जो डेड बॉडी मिली है वो मिली है जी कर्नाटका के बांडीपुर टाइगर रिजर्व में। तो इसकी अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बोगेश्वरा की टस्क का जो मेजरमेंट्स हैं 2.5 मीटर्स एंड 2.34 मीटर 34 मीटर इसकी जो लेंथ थी, ये आपने ध्यान रखना है। एंड इसका एक और नाम भी है, काबिनी नाम से भी ये जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कौन से टाइगर रिजर्व में था ये भी अब याद रखनी। बांडीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये कर्नाटका में। सो गाइस दैट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। एंड ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी किसने की थी, ये भी आपने जरूर कमेंट करके मुझे बताना है। सो गाइस विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म हुए। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। वीडियो थोड़े शॉर्ट बना रहा हूँ, स्टार्टिंग वाला पोर्शन नहीं इंक्लूड कर पा रहा, बट डोंट वरी, करंट अफेयर्स की कंटिन्यूटी में मेंटेन रखूंगा एंड क्वेश्चंस आपके स्किप नहीं होंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून एंड कमेंट करके आंसर जरूर बताएं।